नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। आइए डालते हैं एक नजर यूपी की सभी छोटी बड़ी खबरों पर। यूपी के कानपुर से बड़ी खबर, थाना रेल बाजार पुलिस ने पत्रकार की बहू के साथ की अभद्रता, पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद, एफआईआर दर्ज करने की मांग। पुलिस अधिकारियों की, आपको बता दें, मकान नंबर 132/85A बाबूपुरवा के रहने वाले हामिद हुसैन एक दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार हैं। हामिद हुसैन का पुत्र आमिर हुसैन एक चैनल का उप संपादक के पद पर कार्य करता है। 18/7/2024 को दोपहर लगभग 12:30 बजे पत्रकार हामिद हुसैन के घर पर दो दरोगा एक महिला सिपाही आए और हामिद हुसैन की नामौजूदगी में बहू खुशबू फातिमा से पूछा कि नाम क्या है। बहू ने बताया खुशबू फातिमा, फिर पति का नाम पूछा और बताया कि पत्रकार है। फिर कहने लगे हामिद कहाँ है। बहू ने कहा कि घर पर नहीं है, कहीं गए होंगे, मुझे पता नहीं। बहू खुशबू फातिमा ने पूछा कि आप कौन, किस थाने से हैं। एक दरोगा ने अपने आप को कहा कि मैं गौरव शर्मा SSI थाना रेल बाजार से हूँ, इससे पहले भी कई बार आ चुका हूँ। तेरा ससुर हामिद बहुत पुलिस के खिलाफ और फुरकान उसके भाइयों आदि के खिलाफ बकरा मुर्गी की गोश्त की दुकानों के खिलाफ लिखा पढ़ी कर रहा है। अगर मिल गया तो गालियां देते हुए लाठियों से मारते हुए ले जाऊंगा, हाथ पैर तोड़कर जेल भेज दूंगा, सारी पत्रकारिता भूल जाएगी। उस दौरान पुलिस वालों ने भद्दी भद्दी गालियां भी दी। पत्रकार की बहू खुशबू ने गालियां देने से मना किया तो गौरव शर्मा व उसके साथ आए पुलिसकर्मियों ने हामिद की बहू को भी गालियां देते हुए कहा, ज़्यादा जीरा बहस करेगी तो अभी तेरा बाल पकड़कर तुझे घसीटते ले जाऊंगा, धमकी दिया तथा कहा कि तेरे ससुर ने पुलिस पुरकान आदि के खिलाफ लिखा पढ़ी बंद नहीं किया तो इनकाउंटर कर दूंगा, सारा लिखा पढ़ी धरी की धरी रह जाएगी, धमकी देकर चले गए। उक्त पूरी घटना घर में लगे CCTV फुटेज में पत्रकार हामिद हुसैन की बहू खुशबू फातिमा ने उपरोक्त संबंध में पुलिस आयुक्त से लेकर आला अधिकारियों को पोर्टल डाक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रेषित करके FIR दर्ज करने की मांग की है। देखें इस रिपोर्ट में। आपका क्या नाम है? खुशबू फातिमा। क्या मामला है आपका? कल दोपहर 12:30 बजे मेरे घर में पुलिस आई थी और पूछने लगी हामिद हुसैन कहाँ है और आमिर हुसैन कहाँ है, तो हमने कहा क्यों पूछ रहे हैं, तो कहने लगे थाना रेल बाजार से आए हैं गौरव शर्मा और अगर ससुर तुम्हारे और तुम्हारे आदमी आ जाए तो वहाँ थाना रेल बाजार भेज देना और नहीं भेजोगी तो कहीं भी दिख गए फर्जी मुकदमे में जेल भेज देंगे वरना हाथ पर तोड़ के इनकाउंटर कर देंगे। तो हमने क्यों इनकाउंटर कर देंगे, तो कहने लगे ज़्यादा बोलेगी गाली गलौज करके, कहने लगे तेरा झुटाना पकड़ के लेके जाके तो इसको भी अंदर कर देंगे। आप कानपुर पुलिस कमिश्नर साहब से और उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करती हैं? हम यही मांग करना चाहते हैं मेरे ससुर को और मेरे आदमी को मेरे थाना रेल बाजार पुलिस से, मेरे ससुर को मेरे आदमी को खतरा है, कभी भी इनकाउंटर कर सकते हैं क्योंकि मेरे ससुर और मेरे आदमी पत्रकार हैं और ऐसे पुलिसकर्मी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।